डियर स्टूडेंट, मैं भी एम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज से हम लोग SSCGD एंड SSC MTS का मैथ पोर्शन को टारगेट लेकर हम लोग चलेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट से, ट्रिक से, बाय ऑप्शन, तीनों मेथड से हम लोग चलेंगे। कभी कभी होता है कि वैल्यू पुटिंग भी आ जाए, उसको भी लेकर चलेंगे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग आसानी से ना सीख पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखेगा, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 365। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए, यहाँ आपसे बोला कि तीन क्रमागत वर्गों का योग कितना है? 365। तो मान लीजिए कि ए का स्क्वायर प्लस बी, बी का स्क्वायर प्लस सी, सी का स्क्वायर, यह क्रमागत योग नहीं हुआ। अब इन तीनों का डायरेक्ट कितना दिया है? 365। तीनों डायरेक्ट कितना दिया है? 365। अब रहा सवाल कि हम ए की जगह क्या लें, बी की जगह क्या लें और सी की जगह क्या लें, ताकि तीनों को वर्ग करने पर 365 आ जाए। तब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान आसानी से निकाल लेंगे, जो आपका बोला कि तीनों क्रमागत का योग बताइए। चलिए, तो ए की जगह हम 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर, बी की जगह 11 तो 11 का स्क्वायर, सी की जगह 12 तो 12 का स्क्वायर। अब तीनों का वर्ग कीजिए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 11 का 121, 12 का 144, तो तीनों का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5, फिर 0 तो कुछ नहीं होगा, तो 5 ही हो जाएगा आपका। फिर आपका 4 × 2 = 6, फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? वही आ जाएगा 6। अब यह होगा 1 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, तो यह कितना हो जाएगा? 365। हम तीनों को बारी बारी से जोड़े तो मेरा डाटा कितना आ गया? 365। तो ए की जगह क्या लेंगे? 10 ले लेंगे, बी की जगह 11, सी की जगह 12। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33। यही हम लोग का आंसर के रूप में आएगा। सर, हम देखते हैं कि बोला भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज ज्ञात करो। प्रश्न बोला है कि भाजक भागफल का क्या है? 10 गुना है और शेषफल का यानी शेष का कितना है? 5 गुना है। लेकिन यहाँ पर आपका दिया है क्या? शेष दिया है कितना? 46। तो आपसे पूछा कि भाज का मान ज्ञात करो। देखिए, जब आपका शेष 46 दे दिया तो इसका 5 गुना भाजक होगा, तो 46 × 5 कितना हो जाएगा? 230। अब इससे क्या था? 10 गुना था, तो यानी हो जाएगा कितना? 23 होगा। 23 का 10 गुना कितना होगा? 230। तो यानी भागफल आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब भाज का क्या होता है सूत्र, आप देख लीजिए। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही ना होता है। और अगर पता नहीं है तो इस डाटा को आप लोग लिख लीजिएगा और एक बार दो बार रिपीट कीजिएगा, तब तो बेस्ट हो जाएगा। चलिए, भाज का मान निकालना है तो भाजक आपको क्या दिया है? 230। तो यहाँ 200 हम 30 लिख लेंगे। गुण भागफल कितना दिया है? भागफल आपका 23 है प्लस शेष 46। अब 23 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 529। तो 529 एगो 0 यहाँ हो जाएगा प्लस 46, यानी जोड़ेंगे दोनों का मान, अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 5336। यही आप लोग का आंसर के रूप में हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528
प्लस 73 के पावर 54 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना है, यानी यूनिट डिजिट पूछा, यानी इकाई अंक पूछा। तो पहले हम डाटा को लिख लेते हैं, क्या है डाटा। 25 के पावर दिया है आपका 6251 प्लस 36 के पावर आपका दिया है 528 प्लस 73 के पावर 54 दिया है। इसका पूछा आपका क्या यूनिट डिजिट पूछा। देखिए एक ट्रिक लिख लीजिए, 0, 1, 5, 6 इन सभी का यूनिट डिजिट आपका 0 का 3 होता है, यानी क्या होगा, नो चेंज, यानी इसका मान आपका चेंज नहीं होगा। देखिए 5 का आपका कितना भी पावर होगा तो 5 ही आ जाएगा। चलिए 6 का जितना भी पावर हो कोई अंतर नहीं है, 6 ही आ जाएगा। अब रहा सवाल कि आप 3 है तो 3 के लिए या कोई भी अन्य डिजिट के लिए क्या करेंगे कि पावर देखेंगे कितना है और उसमें 4 से भाग करेंगे। कितना से, 4 से। तो 4 एकम 4 यानी 14 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 2 बचेगा ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब इन सभी को योग करेंगे तो 9 और 6 15 15 5 20। अब यह 20 जो आ गया इसमें बोला कि यूनिट डिजिट कितना है तो यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जो बोला कि सरलीकृत कीजिए। क्या है डाटा कि 1/3 प्लस 1/4 2/5 माइनस 1/2 बटे 3/4 का 1/2/3 माइनस 4/5 का मतलब गुना 3/4। इसका बोला कि आप लोग सरलीकृत कीजिए। देखिए सबसे पहली बात कि यह जो आपका यह ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, पहले इस ब्रैकेट वाला मान को सॉल्व कर लेंगे तब इस मान को सॉल्व करेंगे। यह आपका का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना। तो यह जब गुना हो गया तो यह मान अगर पूर्णांक में तो इसको भी तोड़ेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए 1/3 प्लस, अब यह डाटा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 का लघुत्तम। 5 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 10 हो जाएगा, माइनस 5 बटे यह आपका डाटा हो जाएगा 3/4 गुने 3 एकम 3 2 5/3 माइनस 4/5 गुने 3/4। इसको आराम से आसानी से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 या 10 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। या -1 आया तो -1 और प्लस कितना होगा, गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ 1 हो जाएगा बटे यह आपका हो जाएगा 5/4 माइनस 3/5। क्लियर। अब इनका एलसीएम होगा कितना होगा, 120। आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यह आ जाएगा कितना, 40 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। यह डाटा आ जाएगा 20 4 25 यानी 50 25 5 20 यानी 4 3 12। यह आपका डाटा हम यहाँ लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 37/120, यह हो जाएगा 13/20। तो यह इसमें गुना होता है या इसमें गुना होता है। चलिए तो
तो 37 बाटा 20 120 सॉरी, और ये ऊपर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, यह हो जाएगा 13। तो 20 छक्का 120 तो हो जाएगा 37 बटा 63 78, यानी 37 बटा 78 आप लोग का आंसर के रूप में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रश्न दिया 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2। चलिए प्रश्न आपका है इस प्रकार है। अब रहा सवाल कि हम जानेंगे कि इसको बनाए तो कैसे बनाए। देखिए सबसे पहली बात कि हम ट्रिक से कैसे चलेंगे, तो जो भी आपका अगर शुरू वाला पार्ट होगा और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसको एक नज़र देख लेना है, और बाद बाकी जो भी बच जाए तो अगर सेम आ गया देख रहे हैं सभी सेम आ गया अगर, तो क्या करें इन सभी को काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? शुरू एंड लास्ट वाले को। अब रहा सवाल कि इसका हर परिमेयकरण होगा तो 3 का 3 ही आएगा, 3 का कितना होगा 3 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, लेकिन प्लस में होगा हर परिमेयकरण कितना होगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो जब ऐसा डाटा आ जाए तो यह आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3। या ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2, तो 3 × 2 = 5 आसानी से निकाल देंगे। लेकिन अगर हम जानना चाहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है तो देखिए सबसे पहली बात क्या करते हैं, बारी बारी से हर परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए 1/3 माइनस रूट 8 है तो माइनस प्लस है, प्लस होगा ना, तो 3 + √8 ऐसे ही ना हर परिमेयक किया जाता है। नहीं पता है तो देख लीजिए जो भी होगा यहाँ डाटा, जो भी यहाँ माइनस हो प्लस हो इसका विपरीत लेना है। कितना लेना है? विपरीत, यानी माइनस हो तो प्लस लेंगे और प्लस हो तो माइनस लेंगे। क्लियर? अब यहाँ माइनस है, अब देखिए यहाँ माइनस ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस, तो √8 + √7 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्लस 1/√7 माइनस √6, अगर माइनस ऊपर जाए तो प्लस, √7 + √6 क्लियर? अब रहा सवाल कि माइनस है तो माइनस लिख दिए यहाँ पर, चलिए माइनस तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस, तो √6 + √5 क्या है? प्लस 1/√5 माइनस 2। तब परिमेयकरण करेंगे हर परिमेयकरण तो कैसे होगा? √5 + √5 + 2। इसलिए ऐसे ही हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं। देखिए मान को सीखेंगे कैसे क्या होगा, जब इस डाटा इस फॉर्मेट पर आ जाए तो हमें एक चीज जान लेते हैं कि a + b * a - b
का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब रहा सवाल कि यह डाटा तो ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए नीचे वाला डाटा क्या है कि ए का जगह क्या है तीन है, बी की जगह रूट एट, तो तीन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा नौ होगा, और माइनस कितना होगा रूट आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा। तो यह डाटा हो जाएगा तीन प्लस रूट एट बाटा तीन का स्क्वायर नौ माइनस रूट आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा आठ माइनस, चलिए क्या हो जाएगा रूट एट प्लस रूट सेवन। और फिर वही डाटा है रूट आठ का स्क्वायर कितना होगा आठ माइनस रूट सेवन का क्या हो जाएगा रूट सेवन का हो जाएगा सेवन, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सॉरी रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाट, या रूट सेवन का स्क्वायर कितना होगा सेवन माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्स, कोई अंतर नहीं। चलिए यहाँ माइनस लिख देते हैं माइनस रूट सिक्स प्लस रूट फाइव बटे रूट छः का स्क्वायर कितना हो जाएगा छः हो जाएगा माइनस रूट पाँच का स्क्वायर पाँच प्लस यह हो जाएगा रूट पाँच प्लस दो, यह डाटा कितना हो जाएगा रूट पाँच का स्क्वायर पाँच और माइनस दो का स्क्वायर चार, कोई यहाँ मान में दिक्कत नहीं। चलिए अब इन सभी का हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा यह डाटा हम कहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर, तो तीन प्लस रूट आठ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नौ में से आठ जाएगा तो एक बचेगा, कोई मान मतलब नहीं होगा। चलिए अब यह डाटा आठ में से सात जाएगा तो क्या एक बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यह डाटा हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं माइनस रूट आठ माइनस प्लस माइनस रूट सेवन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सात में से छः जगह तो एक बचेगा, कोई मान में अंतर नहीं होगा, तो यह हो जाएगा प्लस रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। चलिए यहाँ पर है तो छः में से पाँच है तो कोई अंतर नहीं होगा एक होगा, तो यह हो जाएगा माइनस सभी से गुना हो जाएगा तो माइनस रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। अब रहा सवाल पाँच में से आ जाए तो कोई मन में अंतर होगा एक बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यह हो जाएगा प्लस रूट फाइव, यह हो जाएगा प्लस दो, घटेगा इसमें सर बोलिए तो क्या आएगा तीन प्लस दो तो मेरा आंसर आ जाएगा पाँच। चलिए अगला प्रश्न क्या है ए और बी एक कार्य आठ दिन में पूरा कर लेते हैं, वही कार्य बी तथा सी चौबीस दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य आठ पूर्णांक चार बटा सात दिनों में कर सकते हैं, अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए आपका प्रश्न दिया है ए और बी, ए प्लस बी कितना कर रहा है आपका आठ दिनों में, यानी कार्य कितना हो जाएगा एक बटे आठ, कोई भी अगर डे में दिए तो उसको वर्क में निकालने के लिए क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, जैसे आठ दिन दिया तो उसका वर्क कितना हो जाएगा वन बाई एट। तो उसी तरह अगला हम देखेंगे क्या होगा बी तथा सी, बी तथा सी आपका बोला चौबीस दिनों में तो यह वर्क कितना हो जाएगा एक बटा चौबीस, कोई दिक्कत नहीं। सी तथा ए उसी कार्य को आठ पूर्णांक से बटा सात दिनों में, तो आठ पूर्णांक सी और ए कितना किया आठ पूर्णांक चार बटा सात, पहले निकाल लेते हैं सातवा बटे छप्पन अचार साठ बटा सात, यह आपका डी आया
तो डी को क्या कर सकते हैं, वर्ग में चेंज कर सकते हैं, तो सात बटा कितना जाएगा, साठ आएगा। क्लियर। अब बोला कि सी अकेला उसे कितने दिन में कर पाएगा, यही आपका प्रश्न है। सी केवल कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए सबसे पहली बात कि यह जो डाटा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। एक बटा आठ पहला का हो जाएगा एक बटा आठ, प्लस एक बटा चौबीस, प्लस सात बटा साठ। चलिए इनका एलसीएम हो जाएगा 120। आठ चौबीस और साठ का लघुत्तम कितना होगा 120। पंद्रह आठ 120 यानी 15 हो जाएगा यहाँ पर, 24 पाँच 120 यानी 24 पाँच हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 60 दूना 120 यानी 7 दूना 14 हो जाएगा। अब सभी को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 बटे 120। क्लियर। तो यह आपका जोड़िएगा तो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो दो कॉमन हो जाएगा तो यह डाटा आ जाता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यह आपका गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो आपका डाटा इस तरह लिख सकते हैं 1/2 कट जाएगा 17 मरतबे। तो यह मेरा टोटल आ जाएगा 17/120 वर्क आएगा। तो आप बोला कि सी का मान ज्ञात कीजिए, तो सी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या घटाएंगे, यानी पूरे मान में सर यह मान किसका आया, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क आया। तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों में सर a प्लस बी घटाएंगे, तीनों में सर a प्लस बी घटाएंगे तब ना सी का मान आएगा। तो यानी टोटल मान कितना है 17/120। और a प्लस बी का मान कितना है, देखिए 1/8 माइनस 1/8। चलिए अब यह 120 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा 120, तो यह हो जाएगा 17 माइनस 15 आठ 120 यानी हो जाएगा 15। तो यह मेरा डाटा हो जाएगा 17 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 2/120 कट जाएगा 60 मरतबे। यानी वर्क कितना आया सी का 1/60 और डे में कितना आ जाएगा 60 डेज, यानी रिवर्स हो जाता है। तो यह सी का। अगला प्रश्न है ए बी की तुलना में तीन गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए बोला प्रश्न क्या कि ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में तीन गुना बेहतर कामगार है। ए जो है बी की तुलना में तीन गुना बेहतर कामगार है, यानी एक्स होगा यह तो कितना हो जाएगा, यह 3x हो जाएगा। इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उसे 40 दिन कम अवधि में करता है, यानी इससे यह 40 दिन कम अवधि में करेगा। तो दोनों का अंतर पहले ले लेंगे तब ना कम का होगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 2x, तो इसका भी अंतर हो जाएगा 40। तो दोनों का अंतर यहाँ कितना दिनों में, 40 दिनों में दिया है, तो अंतर बराबर अंतर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, यानी कट जाएगा यहाँ से। चलिए x का वैल्यू कितना आ गया 20, अब यहाँ आ जाएगा मान 20 और यहाँ आ जाएगा कितना 60। मान को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब बोला कि दोनों एक कितने दिनों में काम को कर पाएंगे, तो यानी दोनों के निकलना हो तो 1/20 प्लस 1/60, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 तीन 60 होगा, तो मेरा हो जाएगा 60 एकम 7 यानी 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 4/60 कट जाएगा यानी 1/15 आ जाएगा। तो यह आपका क्या हुआ, वर्क हुआ। डे में कितना हो जाएगा 15 डेज, क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसका विपरीत क्या होगा दिन।
कि दो संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक का चार गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी कितनी होगी। देखिए, दो संख्या दिया यानी x और y, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है आपका, मैंने दोनों संख्याओं का आपका क्या दिया, एलसीएम और एचसीएफ, मैंने मान को समझना है उसके बाद ही आंसर देना है। तो दिया दोनों संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का चार गुना है। देखिए चार गुना है यानी एक यह होगा तो कितना होगा, यह चार एक्स होगा तब ना चार गुना होगा। उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया 125, तो दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर 125, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक संख्या यानी एक संख्या मतलब अगर x का मान कितना दिया गया 100, तो y का भी मान निकल जाएगा और साथ ही साथ आपका दूसरी संख्या भी निकल जाएगा। चलिए तो x का मान कितना हो जाएगा 5 10 पचास 25, यानी x का मान कितना जाएगा 25। अब x का जो डाटा है क्या है, 4x है, तो मेरा हो जाएगा 100, यह मेरा कितना हो जाएगा 25, कोई दिक्कत नहीं। अब रहा सवाल की पहली जो संख्या है, फर्स्ट जो संख्या है दिया है 100, तो दूसरी यानी सेकेंड का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इस फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यही ना होता है। चलिए क्या पूछा आपका, यही ना पूछा कि दूसरी क्या होगा, तो दूसरा यही मान पूछना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया है कितना, एलसीएम का कितना है 100 गुने एचसीएफ कितना है आपका 25, और पहली जो संख्या है 100 है तो ये गुना है तो इधर आएगा तो भाग में। चलिए कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा मान आ जाएगा सेकेंड नंबर का 25 आंसर। अब रहा सवाल यह, तो आपका हम कंसेप्ट से बता दें, ट्रिक से क्या बोला, ट्रिक से कैसे बनाएंगे। देखिए जब एक संख्या का मान 100 दे ही दिया है, देखिए यहाँ पर ट्रिक से क्या होगा कि दो संख्याओं का योग कितना है 125 है। तो जब एक संख्या का मान अब अगर आपका दे दिया कि 100 हो गया, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। अरे सर में, तो जब 25 आ गया तो इसका मतलब कि आपका एचसीएफ 25 आ जाएगा और एलसीएम कितना आएगा 100, और पहली संख्या में कितना दिया है 100, तो यहां से मान निकल लेंगे आसानी से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए तीन संख्याओं का समझ लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया 135। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना जाएगा 135 गुने 3। क्लियर। अब बोला कि पहली जो संख्या यानी बड़ी संख्या दिया है, बड़ी संख्या मान आपका 195 है, तो 195 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब बोला कि जो दो संख्या बच जा रहा है है, उन दोनों में अंतर कितना का है 20 का है, तो अगर इसको हम x लेंगे तो इसको क्या लेंगे x प्लस 20। चलिए तो 135 यहां हो जाएगा 405, कोई दिक्कत। चलिए अब रहा सवाल कि यह 195 और 20 जुट जाएगा और यह जुट जाएगा, तो 2x बराबर 405
यह हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 215, तो माइनस 215 घटेगा तो 5 में 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी आपका बच जाएगा कितना है पर 10, 10 में जाएगा तो 9, 3, 3 में 2 जाएगा तो कितना होगा 1, 2 एक कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 95, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगा 95, यही हम लोग का आंसर होगा। सर हम देखते हैं यदि मैं ₹100 में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें ₹110 में बेच देता हूँ तो मुझे प्रत्येक पुस्तक कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए क्या बोला कि ₹100 में आपका बोला 11 बुक खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है आपका 10 बुक्स, 10 बुक्स कितने रुपए में 110 आरएस में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका परसेंटेज जो लाभ पूछा प्रतिशत लाभ उसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि जो आप लोग का डाटा होगा सामने वाला उसमें हम लोग को गुना कर लेना है, तो 100 में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1000, और 11 में 110 से गुना होगा तो कितना होगा 11 का स्क्वायर यानी 121, यानी 0 हो जाएगा 1210। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं उसका सूत्र देख लीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर होता है अंतर बाटा छोटा गुने 100, अंतर बाटा छोटा गुने 100। अब अंतर इसमें कितना का है 210 का, छोटा कितना है 1000, इन दोनों में छोटा कौन है 1000 है, फिर गुना हो जाएगा कितना 100 कटेगा, 2 × 0 = 2 कैंसिल, 1 × 0 = 1 कैंसिल, यानी हो जाएगा 21% आपका आंसर के रूप में। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।